क्या क्या हुआ मामा को? गुस्सा इंसान का खून जलाता है, लेकिन वही गुस्सा दूसरों के लिए अजाब बन सकता है, ये उस दिन समझ आई। मैं अपने घर जा रहा था कि अचानक एक लड़के ने बाइक एक्सीडेंट कर दिया। उसके बाद मुझे भी अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रहा। मैंने उसकी एक ना सुनी, मुझे लगा कि वो ड्रामा कर रहा है। रुकने वाला रुक। भाई मुझे बहुत नहीं नहीं क्या इमरजेंसी है? मुझे नीचे आ जरा, समझने की कोशिश कर रहे, मुझे बहुत इमरजेंसी। नीचे आ भाई, नीचे निक मेरे नीचे इधर क्या मैं लग जाती तो है भाई। माजरा नहीं क्या आइंदा से क्या प्लीज, मुझे किस चीज की इमरजेंसी होती है तुम लोगों को? अगला बंदा मर जाए भाई, मुझे नहीं किस चीज की इमरजेंसी है तुम्हें भाई? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर भाई प्लीज। बस तुम लोगों के बहाने इमरजेंसी में जा रहा हूँ। उसी दिन मेरे भाई की पेट की दर्द की वजह से मुझे उनको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़का हॉस्पिटल में आईसीयू के वार्ड के साथ खड़ा मुझे मिलेगा। मैंने जब उससे पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो, उसने बताया कि मेरी माँ को सुबह हार्ट अटैक आया था, उसी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ा, लेकिन आपके साथ एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त जो पछतावा मेरे माइंड में चल रहा था, उसने मुझे कई दिन सोने नहीं दिया। लेकिन जो दर्द जो तकलीफ वो सह रहा था, उसका एहसास मुझे फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी माँ थी। वजह यह है कि हमें गुस्से को इतना ज्यादा हैवी नहीं करना चाहिए कि कभी कभी इंसान को अपना आप ही भूल जाए कि हम इंसान हैं या जानवर हैं। मेरा काम वीडियो बनाना था, आगे आप जितना शेयर करें ये आप पे डिपेंड है, लेकिन अगर इस वीडियो को देख के कोई एक आदमी भी अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सके तो मैं समझूंगा कि मेरी ये कोशिश कामयाब रही।